बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपके साथ मैं एक न्यूज़ शेयर कर दूंगा जो कि यकीनन तमाम प्रदेशी भाइयों के लिए कारामद होती है। मैं इसलिए इसके ऊपर वीडियो बना देता हूं। मैं देखें होता क्या है कि मैं मुख्तलिफ मामलात को लेकर मैं क्या यार बहुत से भाई अपडेट करते रहते हैं सॉरी, और जो मुझसे सीनियर हैं, सीनियर से मुराद ये है जी जो मुझसे भी पुराने हैं सऊदी अरबिया में। यार यकीन कीजिए, मैं बनी मालक में था, बनी मालक में मुझे एक पठान मिल गया। आपको ये बात क्यों बताने लगा हूँ, सुन लें। पठान हमें मिल गया, गाड़ी मैंने हाथ दिया गाड़ी को। अच्छा एक चीज़ और मज़े वाली ऐड कर दूँ कि मेरे दोस्त लगे हुए थे, वो रंग का काम करते थे, तो मुझे वो लोगों ने फ़ोन किया 8 बजे कि मैं तो रूम पर ही था, मुख्तलिफ जवाजात और उसके बाद सफारा, उसके बाद मकतबे अमल और मुख्तलिफ मार्केट्स घूमता था, आपके साथ वीडियो शेयर करता था लास्ट टाइम जब बनी मालक में था मैं, यानी कि जद्दा में। तो बात यह है कि मुझे बोल रहे हैं कि हमारी वो ड्रिल मशीन जो कि वो रंग वाली बाल्टी में ड्रिल मशीन नहीं घुमाते हैं, वो घर रह गई है तो वो हमें दे जा। तो मैंने बाहर निकला, ड्रिल मशीन पकड़ी, टैक्सी वाले को हाथ दिया, टैक्सी वाला आया और उसने मुझे पहचान लिया। उसने बोला कि बैठ जाए, किधर जाना है? मैंने बोला भी फलां जगह जाना है। उसने बोला बैठ जाए, मैंने बोला कि तो बोलता बैठ जा। मैंने बोला कितना पठान था, माशाल्लाह सफेद दाढ़ी थी इतनी बड़ी उनकी। तो मैंने बोला भाई कितने पैसे? मुझे बोलता है कि यार तू यूट्यूब के ऊपर काम करता है ना? मैंने बोला जी बिल्कुल करता हूँ। उसने बोला बैठ जा, मैं तेरी वीडियो देखता हूँ। उनको बैठा लिया, वहाँ पर गया, ड्रिल छोड़ी, उसके बाद मैं उसी के साथ सफारा में गया। अच्छा बात ये क्यों आपके साथ शेयर कर रहा था, वो मुझे जानने वाला मिल गया। आप भाई भी, आप में से भी अक्सर से भाई मुझे जद्दा में मिल जाते थे, मदीना एंड मक्का में भी मैं जब जाता था उमरा के लिए वहाँ पर भी दोस्त अखबार मिल जाते थे। पाकिस्तान से तो सानू कुछ जानते ही नहीं, हकीकत गल जी तुम सऊदी वाले तुम्हारी मेहरबानी तुम जानते जी बस। अच्छा बात क्या है जी कि वो भाई साहब मुझे मिले और सफारा में जब जा रहे थे ना तो मुझे उनसे एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली। वो मुझे बता रहे थे कि वो वक्त भी होता था जब हम रात को सफारा में जब कोई काम होता था ना तो रात को आते थे। ये जो पार्क है इधर साथ में उसके पार्क है सफारा में पार्क जद्दा के, वो पार्क में हम रात सो जाते थे तो सुबह उठ के लाइनें लगती होती थी। अभी तो सहूलियत बहुत बढ़ गई है। ये जो या सीनियर से मुराद कर रहा था ना, सीनियर बंदे ऐसे भी होते हैं जिनसे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, अगर आपके भी नज़दीक कोई सीनियर है तो वो मुझसे भी बेहतर आपको गाइड कर देगा, ये मामला होते हैं सॉरी। अच्छा बात इस मसले के ऊपर, इस न्यूज़ के ऊपर कर लेते हैं। देखें इकामा एक्सपायर है, आपने घबराना नहीं है, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, ठीक है? ये बात अपनी पल्ले बांध ले, हम कोई गुलाम हैं, बाद में और मामला चल पड़े वो एक अलग मामला है। अच्छा ये बात ये है, इकामा एक्सपायर है ना तो आपने पाकिस्तान जाना है, सफारा में चले जाकर अपना पेपर जमा करवा दें, टाइम लगेगा, क्रूज लग जाएगा, लीगल क्रूज लग जाएगा। इकामा एक्सपायर है और अपना नकल कफाला करवा सकते हैं खुद, कोई वो भी कोई मुश्किल नहीं। हाँ नकल कफाले के ऊपर जो मामला होते हैं फीसों वगैरह के, वो आपने जिस बंदे के नाम के ऊपर करवाना उसे डील कर लें। और तीसरी रीज़न बचती है जी फिर डीपोर्ट, यानी कि सूरतों को पकड़ाई देने वो डीपोर्ट करते, उस सूरत में मैं तो इस चीज़ को लाइक नहीं करता। अच्छा ये न्यूज़ के मतलब ये है कि सबसे पहले आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ मैं, तरहील। इनमें 7168 बंदे, यानी कि 7172 बंदे भाई पिछले 7 दिनों में सऊदी अरेबिया से तरहील हुए हैं, यानी कि डीपोर्ट किए गए हैं। इनमें वो तमाम भाई हैं जो इकामा एक्सपायर वाले और जाकर शूटर को पकड़ाई दे दी, या बदून कफील काम करते हुए पकड़े गए, या हरूब वाले पकड़े गए, वो बंदे तमाम शामिल हैं जी। 7172 बंदे आप बोल रहे हैं पिछले 7 दिनों में सऊदी अरेबिया से डीपोर्ट किए गए, यानी कि एक दिन के लिहाज से 1000 बंदा। अगर कंप्लीट न्यूज़ के मतलब बात कर लें तो आपको अगर टोटल की बात करें जितने पकड़े गए 7 दिनों में वो देख लें, 16747 बंदे पिछले 7 दिनों में गिरफ्तार हुए हैं जी। इनमें मुखालफ निज़ाम अल इकामा, यानी कि जिनके इकामे एक्सपायर थे और वो पकड़े गए, उनकी तादाद है जी 9158, यानी कि 9000 प्लस में बंदे भाई इकामा एक्सपायर वाले ही सिर्फ गिरफ्तार किए गए। आप भाई सऊदी में बैठे हुए जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं, किसी कंपनी मुसस्से का भाई इकामे लगाए नहीं रहे हैं, बहुत कम कंपनी है जो इकामे बंदों के लिए वर्कर के लगा रही है, सैलरी इन टाइम से दे रहे हैं, इकामे क्या लगाने हैं इन्होंने। अच्छा ये आगे आजी मुखालफा निज़ाम अमन अल हदूद, ठीक है, इनकी तादाद आजी 5235, और आगे आजी मुखालफा निज़ाम अल अमल, इस चीज़ के ऊपर गौर कीजिएगा, ये वो बंदे होते हैं, इनकी तादाद है जी 2354, ठीक है, ये वो बंदे हैं जो बदून कफील, यानी कि साहिक खास अमल मंजरी या कोई भी, या कंपनी से भागा हुआ बाहर कहीं काम कर रहा पकड़ा जाए, शूटर के हाथ लग जाए, वो उसको डीपोर्ट कर दें। देखिए आप कंपनी में है ना, आप बाहर भागकर काम करें या भागकर, मैं तो इस चीज़ को लाइक नहीं करता, मैं बोलता हूँ कंपनी आपकी सैलरी नहीं दे रही, क्या मकतब में केस ठोकें इसके ऊपर, उसके बाद बाहर काम करें, आपको आपके पास मकतब में पेपर होंगे। मेरे खुद के जाने वाला एक पठान बुजुर्ग हमारे साथ 2-3 दफ़ा शूटरों ने रोका, उसने कफील के ऊपर केस किया हुआ था, जब शूटर होते तो केस वाले पेपर निकाल लेता था, तो शूटर आगे से पढ़ने शुरू करते, उसको बोलते थे जा। तो ये चीज़ है कंपनी से भागकर बाहर काम करने का क्या फायदा, जब कंपनी आपको तंग कर रही है तो भाई उसके ऊपर केस ठोके फिर बाहर काम करें। हाँ अगर कंपनी तंग नहीं कर रही है फिर आप भागकर जानबूझ के बाहर काम करेंगे, फिर जब आप पकड़े जाएंगे तो फिर डीपोर्ट तो आपको करेंगे वो बदून कफील के जुमरे में रखकर।